ओबीएस कहानी नंबर 47 फिलिपी नगर विच पौलुस और सिलास जब शाऊल ने पूरे रोमी साम्राज्य विच यात्रा की थी तो तिने अपना रोमी नाम पौलुस उपयोग करना शुरू करता। एक दिन पौलुस और तीसरा दोस्त सिलास फिलिपी नगर विच ईसु बारे च शुभ समाचार सुनाने खातर गए। सो नगर के बारे नदिया किनारे एक जगह विच गए जेति लोग प्रार्थना करने खातर इकट्ठे हुए थे। तेती सो लुदिया नाम और एक जॉन से साथे मिले जो एक व्यापारी थी। से परमात्मा साथे प्यार रखो थी और तेसरी आराधना करो थी। परमात्मा ने लुदिया रा मन ईसु रे शुभ समाचार अपन दे भरोसा करने खातर तैयार किया। पौलुस ने और सिलास ने तेसा के और तेसर परिवार को बपतिस्मा दिता। तेसा ने पौलुस और सिलास के अपने घर ठहरने खातर बोलिया। इस खातर से तेती ठहरी गए। पौलुस और सिलास लोग साथे जाकर तेस जगह पर मिलो थे जेती यहूदी लोग प्रार्थना करया करो थे। हर दिन जब से तेती जाओ थे तो एक सेवादार नी लड़की जो दुष्ट आत्मा जक रखी थी तिनारा पीछा करया करो थी। इस दुष्ट आत्मा के जरिए से लोग भविष्य बताया करो थी। इस खातर से भविष्य बताने वाली रूप विच अपने स्वामी खातर बहुत सारा धन कमाया करो थी। तिनारे जानते समय से ये सेवादार नी लड़की चलाया करो थी कि ये आदमी परम प्रधान परमात्मा रा सेवादार है। ये तो सके उद्धार पाने की बाट बताने लगी रहा। से रोज एड़ा ही करया करो थी जिथे की पौलुस तंग होगा। एक दिन जब से सेवादार नी लड़की चिल्लाने लगी तो पौलुस ने तेसारी तरफ मुड़ी के तेसारे अंदर वाली दुष्ट आत्मा के बोलिया, ईश्वर नावा ते इस लड़की विच ते निकली जा। तेसी समय से दुष्ट आत्मा ते इस लड़की विच ते निकलेगी। तेस लड़की रे स्वामी बहुत गुस्सा होई गए। तिना के पता लगेगा कि तेस दुष्ट आत्मा ते बिना ये लड़की भविष्य नहीं बताई सकती। इजरा मतलब है कि लोग तेसारे स्वामी आखे पैसे नहीं देने किसे तिना भविष्य बताई सको कि तिना साथे क्या होना। इस खातर तेस लड़की रे स्वामी पौलुस और सिलास के रोमी अधिकारी अग ले गए। तिना ने पौलुस और सिलास सारी मारपीट की थी और फिर से जेला विच बंद करते। तिना ने पौलुस और सिलास जेला रे हिस्से विच रखे जेति सभी ते ज्यादा सैनिक थे और तिना ने तिनारे हाथ पैर लकड़ी रे बड़े छेदा विच जकड़ते। पर पौलुस और सिलास आधी रात रे समय परमात्मा की स्तुति रे गीत गाने लग रहे थे। ते अचानक एक खतरनाक भूकंप हुआ। जेलखाने रे सारे दरवाजे खुल गए और कैदियों की जंजीरा खुल गया। तब दरोगा जागेगा। तिने जेलखाने रे सारे दरवाजे खुले दे देखे। तिने सोचा कि सारे कैदी बची के नठ गए होने। से डरेगा कि तिनारे नठने के कारण रोमी अधिकारी ने हूं मार देना। इस खातर से अपने आप ही मारने खातर तैयार होगा। पर पौलुस तेस के देखे कि चिल्लाया, रुक जा, आप ही नुकसान नहीं पहुंचाया, आसे सब बेती है। तेस दरोगा ने कांपते हुए पौलुस और सिलास के आई के पूछा, उधार पाने खातर हूं क्या करूं। पौलुस ने जवाब दिता, प्रभु यीशु पर भरोसा कर, तेवे तय और तेरे घराने नु उधार पाना। तब से दरोगा पौलुस और सिलास के अपने करे लेगा और तिनारे जख्म तोए। पौलुस ने तेसरे परिवार सब लोग के ईश्वर बारे से शुभ समाचार सुनाया। दरोगा ने और तेसरे पूरे परिवार ने यीशु पर भरोसा किया। इस खातर पौलुस और सिलास ने तेसा के तिना के बपतिस्मा दिता। तब दरोगा ने पौलुस और सिलास के खाना खिलाया और सो एक साथ इकट्ठे हो के खुश हुए। दूजे दिन नगर रे गुरुआ ने पौलुस और सिलास जेला विच ते आजाद करते और तिना के बोलिया कि फिलिपी नगर विच ते चली जाओ। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ दूजे दोस्तों साथे मिले और तेथे बाद तेस नगर विच ते चली गए। ईश्वर बारे च शुभ समाचार फैलता गया और कलीसिया बढ़ती गई। पौलुस और दूजे मसीह गुरुआ ने बहुत सारे नगर की यात्रा की। तिना ने लोगों के ईश्वर बारे च शुभ समाचार सुनाया। तिना ने कलीसिया विश्वासी लोगों की शिक्षा देने खातर कई चिट्ठिया भी लिखिया। इन्होंने कुछ चिट्ठिया बाइबलरिया किताबा बन गया।